रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे भैन भरावों की हालत साडा मैं उम्मीद करदी हां कि अल्लाह दे फज़ल करम नाल सब ठीक ठाक होणगे। मेरी दुआ है कि मेरे तमाम भैन भरावों नूं अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती देवे और देवे डेरो खुशियां आमीन सुमा आमीन। इस दुआ दे नाल अज दे व्लॉग दा करदे हां आगाज़। व्लॉग दे आगाज़ तों पहलां जिन्हां भैन भरावों ने अजे तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया काइंडली सबसक्राइब कर लो, नाल बैल दा बटन भी प्रेस कर लो ताकि मेरी हर नवीं तों नवीं वीडियो तुहाडे तक बार वक्त पहुँच सके। अच्छा जी, अज दा व्लॉग कुछ इस तरह दा होण वाला है। अज असीं बनावांगे आलू पुलाओ ते नाल अपने भैन भरावों ने शेयर करांगे। ते काइंडली रिक्वेस्ट है मेरी तमाम भैन भरावों कि मेरी वीडियो ज़्यादा तो ज़्यादा प्यार दो, ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। ते क्योंकि थोनू पता कि अगला मरहला जिहड़ा साडा अनकरीबी साडा एक ख्वाब मुद्दता तो जिहड़ा आ रहा पूरा होने वाला सब थोड़ी सपोर्ट ते प्यार मुहब्बत नाल ही आ। ते अल्लाह करम करूगा, अल्लाह खैर करूगा। ते तुसी चल के आलू पुलाओ देखो ते बाकी जिहड़ा भी सीन होएगा वह भी मैं अपने भैन भरावों घर का शेयर करूँगी। मैं धोते सी कपड़े, हुण मैं सोचा इन्हों ला के रख देव ये सुक ते साडी तैयारी हुंदी आ फिर रह जांदी आ, हुंदी आ फिर रह जांदी आ, क्योंकि उधरों दो तीन दिनों का काम सीगा वो होया ते फिर आ गए कुछ शादी के कपड़े चार पाँच सूट जिसे दे पापा ने वो धोने सी वो इस तरीके सॉरी वो करने सी सिलाई। तो फिर हुण कहिंदे आ भी चलो एक अद्धा दिन होर रुक जाओ फिर तुहानूं अल्लाह खैर करे भेज देंगे या छड आवांगे या फिर गड्डी ते चढ़ा देवांगे। फिर जिहड़ा भी सीन होगा वो तो फिर तुहानूं दस्सांगे टाइम दे नाल नाल। ते मैं हुण इन्हां कपड़िआं नूं लाहनी आ, उस तो बाद बनानी आलू पुलाओ, सॉरी उन तो बाद साफ करने बर्तन चाय वगैरह वाले बर्तन साफ करन तो बाद फिर बनावांगे लाओ। मैं क्या कपड़े कुछ कल धोते सी कुछ अज धोते, मैं क्या नाल नाल जिहड़ा काम खत्म हो जाए वही बेहतर आ। दिशा दे पापा का एको सूट सीगा इन्होंने अज सुबह चेंज किया से भी धोता, मैं क्या फिर थोड़ी तैयारी बन जानी अल्लाह खैर करे। तो चलो इन्हों के कपड़े धोते होणगे तो अपने आराम सुकून में चेंज करते रहेंगे तो इन्हें धोने नहीं पैणगे क्योंकि तुम्हें पता है तरीका सीखण डे सी। जी मैं कांटे लैके आया सीगा बड़े शौक ना ते स्मेलन पसंद कोई नहीं आए बना ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਪਲਾਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਵਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ 2 3 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਰ ਆਲੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹੱਕ ਦੇ ਹੱਕ ਬੇੜੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਅਮਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੱਕ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੇੜੇ। मशीन दी फिरकी मिल दे फिरकी मशीन दी। मेरी मशीन थोड़ी जी मसला बन गया सी उहनूं ते इस वजह करके ना गर्मी नहीं लगी खत्म हो गई। तो कोई चलो अच्छा जुगाड़ लावांगे कोई ना कोई कन्वर्टर साथ छड़ गया ते चलो अल्लाह बेहतरी करो। अगे बकरा ईद आ रही सानूं कोई बैटरी का कुछ करना चाहिए क्योंकि फिर ये बिच कोई चार कपड़े सी हो जाते हैं खेडनी गुड्डी दिन का गुड्डी दे वेलो जी मुंह ते नौ पालिश ला के बैठी है, अखां देख लो इदियां ते ली जी। मैं बर्तन धो लिया ते हुण मैं बनाण लगी हां चावल। चावल मैं रखे हुए सीगे बाल्टी दे विच,
हूँ साफ करनी नाले मिलनी है किन्ने आ तो उस हिसाब न पानी तो उस हिसाब में तुलका वगैरह बनाऊंगी तो इन्हू नाले साफ कर दिया नाले पे के रख दें फिर उस तो बाद लसन गंडा बनावे चावल इन्हों मिन के ना मैं डोंगे च पानी फिर देख दी किन्ने जी चावल मैं साफ कर ले तो ये पा के रख दिन पानी खुद रख दी हूँ तुलका ता के भेजा तो फिर इन मैं धोनी तो फिर उन्नी देर तुलका भुनू अच्छा जी दो टमाटर ते चार हरी मिर्चा ते तीन आलू ते दो तीन प्याज इसकी उत्ते रखी आ अग हजे बालनी आ ते चीज़ा धो लिया चल सवार के हम मैं कट दी ते नाल नाल पानी आ इसकी उत्ते रखती अग बाल गई आ प्याज कट लिया है ते घ्यो गरम आ भुन दी आ हरी मिर्च टमाटर कट दी आलू लसन वगैरह हल्का ब्राउन हो गया मैं टमाटर हरी मिर्च ते नाल लसन थोड़ा जिहा कट लिया ते हुण इह पान्नी आ विच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलू कट के रख ले होए मैं ते हुण पाऊंगी थोड़ा टमाटर ते फिर विच पान्नी आ नमक मिर्च ते हल्दी ते फिर बच्चे भी बाबा माशाल्लाह शौक नाल चावल खांदे आ ते असीं आप ही शौक नाल खैर खाईदे आ इह भी नॉर्मल जे लियाई दे बहुत ज़्यादा महंगे मेहमान वगैरह तो लियाई दे ते आम मतलब जरा हल्के लियाई दे क्योंकि घर ही खाने होंगे आ ते मेरे काफ़ी भैन भरा में कमेंट करते होंगे कि चावल इन्हों के किमें दे या किस तरह के आ या किमें ते थोड़े हल्के इस वास्ते भी घर चलो बंदा अपना तो गुजारा कर लैंदा मेहमान होंदा वे मेहमान आए तो अच्छा जी ए हैगा मेरे को नमक मिर्च ते हल्दी ते मैं पानी है विच बिस्मिल्लाह जी लीशा दे पापा लिया है मेहंदी कहकशा फ्रंट कैमरा ना वास्ते फिर वो उल्टा नज़र आन दिया ये मतलब बच्चों के बाल काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए क्योंकि वांडे जाना तो मतलब सोहना लगे तो यह है कि ब्लैक इन्हें बाल ब्लैक हो जाते हैं कि ब्राउन खराब खराब हो जाए मतलब सोहने हो जाएंगे तो ये वो लैके आया अच्छा यह देखो भैन भरावो लोगों की ना तैयारी 60 रुपये कीमत है उत्ते 70 रुपये की चिट लाई हुई है हाँ माड़ा बंदा कि की करे उ 70 रुपये की चिट लाई हुई है तो अच्छा जी ये लिया बच्चों ने ला ली लिखा बेटा ना खराब कर अच्छा जी मैं लाई अज लिपस्टिक लिपस्टिक लाई है मैं न्यू न्यू लिया मामू इन्हें ना मुंह ते मेहंदी लाई हुई है कैसी चीज लाई मेहंदी इधर आ गया मैं इधर साइड पे आ मेरे नाल आ मेरे नाल मेहंदी लाई है कैसी चीज लाई मामा ने मेहंदी ते तू की लाया मेहंदी असल च ना कौन सी अरे काली वो मैं एक दो दफा देखा टिकटॉक दे वैसे ना किसी ने लाई तो मैं क्या भी सच्ची रियल च इदा ही हाँ मैं फट के थोड़ी जी लाई वो मैं होट इंज हो गए जिमें सुन हो जाते तो अलीशा ने भी बाबा सट मामा तुसी लाई है मेरे भी लाओ फिर कहती मामा मेरे तो लड़ती है मैं क्या ला दे पागले इदा के काम नहीं करी देंगे तो वह फिर मैं लाई सी वह तो उनका कलर वाह वाह गहरा इन्ना गहरा भी नहीं है हल्का जहा लेकिन वो चमकना जहा तो मैं क्या भी भैन भरा कह आई तो पता नहीं कितने की तैयारी सी नहीं बस वैसे ही चेक की थी कौन तो ईद कौन पई सी तो मैं क्या चलो मैं भी हूँ डर ला के देख लवा इनका की आ हिसाब लगी सी मैं क्या हजे ना कोल सवेरे को आएंगे तो चल रख दे क्योंकि अल्लाह खैर करे सवेरे लावे परसों भी अल्लाह खैर करे तैयारी तो फिर लो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मसाला भी तैयार ने फिर अपने आलू भुन के तो फिर ये पानी पानी है तो फिर चावल धो के लिया पानी तो अग नूं भी थोड़े जे तेज़ कर दी है तो सही जी अग भी तेज़ कर दी तो फाइनली पानी भी पै गया हूँ उबलता तो उन्नी देर में वेट कर दी फिर पावे चावल तो फिर देवे दम चावल धो के रखे है पानी चेक कर दिए अगर चावल वाला उबल गया हो तो फिर बिच पानी है अच्छा जी पानी माशाल्लाह फाइनली वाले खान दिया तो मैं हूँ बिच पानी है चावल फाइनली मैं चावल बिच ले पा बिस्मिल्लाह तो जिमें पानी थोड़ा सोस हों फिर इन दम दूंगी तो अगला जोड़ा भी सीन होएगा अपने भैन भरा उन्हें इंशाल्लाह शेयर करूँगी आलू पुलाव बनानी पई हाँ मेरे देखने वाले जिन्हें भी भैन भरा ने सबनों दावत ने जिहड़ा जिहड़ा दिल करे वो मोस्ट वेलकम साडे घर आवे तो दम दे दिता अग बार कर दिती हुण मैं बर्तन वगैरह तैयार कर लवा तो फिर देखते हैं अगला सीन खाने पीने का माशाल्लाह देख लो जी फाइनल लुक चावलों की।
हिलाए हिलानी आ के पा के रखे आ। तो हजे अलीशा के पापा नहीं आए, अलीशा के पापा हजे नहीं आए। ठंडे करके खाओ, गर्म है चावल, मैंने ठंडे कर देव। तो अल्लाह खैर करे। अच्छा जी आलू पुलाओ गर्म है, अच्छा मैं ठंडे करके देनी।